My dear scholars, the thoughts in the management disciplines are developing and we are observing how the thoughts are developing in 20th century by management scholar. Bureaucratic system ki baat ho thi. Max Weber ka naam Bureaucracy actually was a system given in the management to brought in impersonality to brought in rules and regulation to brought in the order and efficiency but with the passage of time this bureaucracy really became an instrument of social control लोगों को कंट्रोल करने का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया बाज में वैक्स बैबर ने भी कहा कि मैंने तो ये नहीं कहा था लेकिन तो देखिए एक सिस्टम तो बना और सबसे पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक एंटरप्राइजेस ने इसको एडॉप्ट किया और अभी भी पब्लिक एंटरप्राइजेस के अंदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्टली यू विल फाइंड ए ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम देर आर पीपल नॉट लाइक दिस आइडिया बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे european management scholar did not like the uh, north american management uh, viewpoint, the different. Hai. because some people in europe was thinking that the bureaucracies will restrict the progressive movement on the basis of the science, on the basis of the knowledge, on the basis of enlightenment. Jab aap ne logon ko एक स्ट्रक्चर के अंदर केज़ेस में बिठा दिया यह डब्बा नंबर 21 है इसका कंट्रोल इसकी अथॉरिटी इसकी पावर फाइनेंशियल पावर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत ज्यादा है और यह डब्बा नंबर 13 है तो केज़ेस बना दिए आपने हर केज के अंदर बैठने वाला एक चार दीवार बना के बैठा है फाइल मूव कर रही है रिटर्न कम्युनिकेशन है ना फॉर्मल तरीका है मैक्स वेबर वॉज अनहैप्पी बिकॉज यस ब्यूरोक्रेसी वॉज स्प्रेडिंग बट द वे इट वॉज स्प्रेडिंग ही वॉज अनहैप्पी लेकिन देखिए आइडियाज उसने दे दिए अब आइडियाज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूरोप आउटसाइड यूरोप नॉर्थ अमेरिका इट वॉज बींग एक्सेप्टेड एंड इट वॉज बींग इम्प्लीमेंटेड और हर जगह लोग ये फील कर रहे थे कि पीपल ट्रैप्ड इन बिकॉज़ ऑफ दर आर् हरारकी तो एस्टैब्लिश हो गई और जैसे जैसे हर आर्टैब्लिश हुई रूल्स एंड रेगुलेशन बने एस बने और रिटर्न कम्युनिकेशन का सहारा लिया डॉक्यूमेंटेशन तो फिर एक चार दीवारी तो कायम हो गई ब्यूरोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चर एंड विद इन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स पीपल हैड देयर वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड नॉर्म्स लेकिन इन बिलीव्स और वैल्यूज और नॉर्म्स विद इन ब्यूरोक्रेसी के अपने अपने वर्ड व्यूज हैं कि कैसे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बिकॉज सेंट्रल टू शेपिंग दिस सोशल लाइफ इज दी पावर एंड द पावर इज अटैच्ड विद दैट आयरन केज उस केज के अंदर उस डब्बे के अंदर उस ऑफिस के अंदर कौन बैठा हुआ है उसके मुताबिक उसकी पावर तय की जाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाएगी उसकी अथॉरिटी तय की जाएगी ब्यूरोक्रेसीज़ कंसंट्रेटेड लार्ज अमाउंट्स ऑफ पावर इन सर्टेन केजेस इन स्मॉल नंबर ऑफ पीपल पूरी तहसील का मालिक असिस्टेंट कमिश्नर है ब्यूरोक्रेसी में स्ट्रक्चर बन गया है पूरे जिले को आपने डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर दिया है एक आदमी इसी तरह से आप पुलिस के सिस्टम में आ जाएंगे Police ka system, management, ka, public enterprises, public institution They are all being run under the bureaucratic system, which was introduced on those six principles, six features by Max Weber. ECLA, Singapore introduced kia new management system, new public system, which was a bit less than the bureaucracy there will be a bureaucracy, but how it will be decentralized? weber believed that those who control the organization, actually they control the quality of the people, of the, the quality of the life of the people. and this is why max weber, who, principles, जिस पर वो हैप्पी नहीं था माइकल फोकॉर्ट ने उनको एक्सटेंड किया एंड ही क्रिएटेड ए बेटर पिक्चर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन विल एग्जर्ट कंट्रोल एंड विल ब्रिंग द कंफॉर्मिटी इन सोसाइटी तो दैट्स हाउ द मैनेजमेंट डिसिप्लिन एंड द मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर एडवांस्ड विद पैसेज ऑफ टाइम वाइल द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज गोइंग ऑन फैक्ट्री सिस्टम Was in place, mass production was being done, products were being shipped from Great Britain to the colonies of Great Britain or from the markets of North America to all over the world. Thank you, thank you very much.